गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर आवर नेक्स्ट क्लास पार्ट टू ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम इसमें पढ़ेंगे सेंटेंसेस विद मस्ट, कैन एंड निडंट, बेसिक टू एडवांस। क्लास में बने रहें। सेंटेंसेस विद मस्ट, कैन एंड निडंट, आज हम पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस विद मस्ट, कैन एंड निडंट। इन ऑर्डिनरी स्पीच मस्ट हैज थ्री पॉसिबल मीनिंग्स, कैन एंड निडंट समटाइम्स बिहेव इन सिमिलर वे। इन ऑर्डिनरी स्पीच, साधारण स्पीच में मस्ट हैज थ्री पॉसिबल मीनिंग। मस्ट के थ्री मीनिंग्स पॉसिबल्स हैं। कैसे कैसे पॉसिबल हैं थ्री मीनिंग्स? मस्ट को हम मस्ट भी रखते हैं, मस्ट को हम हैड टू में भी चेंज करते हैं, मस्ट को हम वुड हैव टू में भी चेंज करते हैं। पर ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं कि हम इन्हें चेंज करते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कैन एंड निडंट समटाइम्स बिहेव इन ए सिमिलर वे। कैन और जो निडंट है वो भी समटाइम्स इन सिमिलर वे में बिहेव करते हैं। कैसे? लेट्स सी हियर। फर्स्ट पॉइंट, समटाइम्स मस्ट शो नेसेसिटी और कंक्लूजन। नेसेसिटी का मतलब भी आवश्यकता, कंक्लूजन का मतलब भी बाध्यता या अनिवार्यता। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कभी कभी मस्ट शो करता है नेसेसिटी को और कंक्लूजन को एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने के मोमेंट पर। इट इज़ देन ए केस ऑफ ट्रू प्रेजेंट, इट इज़ देन ए केस ऑफ ट्रू प्रेजेंट एंड इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। तो ये केस जो ट्रू प्रेजेंट का होता है, जो चेंज होता है किस में? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? हैड टू व्हेन रिपोर्टेड एज, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ऐसी होती है। कैसी? लेट्स सी द एग्जांपल हियर। फर्स्ट एग्जांपल है, आई सेड टू माय फ्रेंड। सेड टू इज हियर पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब है। आई मस्ट गो नाउ, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि मस्ट के साथ इसके कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन सी थ्री कंडीशंस कब कब लागू होती हैं। तो पहले में हमने देखा, आई सेड टू माई फ्रेंड, आई मस्ट गो नाउ। सेड टू किस में बदल रहा है? आई टोल्ड माई फ्रेंड। सेड टू को किस में चेंज कर रहे हैं? टोल्ड में। आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई हैड टू गो देन। मस्ट को किस में चेंज किया हमने? हैड टू में। वॉट इज द रीजन? द केस ऑफ ट्रू प्रेजेंट, केस तो किसका है? ट्रू प्रेजेंट का है, बट हमें इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। दिस इज द सिचुएशन। ऐसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी यू नीडंट गो। उसने मुझे कहा यू नीडंट गो। इन्वर्टेड कोमाज में जो बंद है वह रिपोर्टेड स्पीच है, और इन्वर्टेड कोमाज की जो बाहर है वह रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड टू होने पर हमने इसको किस में चेंज किया? टोल्ड में। कंजक्शन हमने क्या लगाया? दैट। और यहाँ हम निडंट को किस में बदलेंगे? आई डिड नॉट हैव टू गो। निडंट को हमने पास्ट में चेंज करके क्या किया? आई डिड नॉट हैव टू गो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आपको इनको देखना है और ध्यान में रखना है। कई बार ऐसे ही एक्सेप्शंस और ऐसे सवालों को, क्वेश्चंस को एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं सेकेंड नंबर में आप देखेंगे कि मस्ट समटाइम्स मस्ट इंडिकेट्स नेसेसिटी और कंक्लूजन इन फ्यूचर। अभी हमने पिछले में क्या पढ़ा कि मस्ट इंडिकेट्स नेसेसिटी और कंक्लूजन बट इन प्रेजेंट। पर सेकेंड नंबर रूल क्या कह रहा है? समटाइम्स मस्ट इंडिकेट्स नेसेसिटी और कंक्लूजन इन फ्यूचर, कि समटाइम्स मस्ट इंडिकेट करता है नेसेसिटी को और कंक्लूजन को, दोनों को किस में रिप्रेजेंट करता है? इन फ्यूचर। एज ए सब्सटीट्यूट फॉर शैल हैव टू, तो हम इसका सब्सटीट्यूट क्या यूज़ करते हैं? शैल हैव टू। दिस इज लाइक फ्यूचर टेंस, जो किसकी तरह दिखता है? फ्यूचर टेंस की तरह दिखता है। एंड मस्ट इज टू बी चेंज इन टू वुड हैव टू एज, तो मस्ट को किस में चेंज किया जाएगा? वुड हैव टू में। एज ए सब्सटीट्यूट फॉर शैल हैव टू, सब्सटीट्यूट इसका हम शैल हैव टू यूज कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर टेंस की तरह होगा। पर मस्ट को हम किस में चेंज करेंगे? वुड हैव टू में चेंज करेंगे। कैसे? लेट्स सी हियर द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि आई सेड टू माई फादर, आई सेड टू माई फादर, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, आई मस्ट लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक।
नेक्स्ट वीक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर को. तो हम क्या कहेंगे? आई टोल्ड माई फादर दैट. मस्ट को किस में चेंज करेंगे? आई वुड हैव टू लीव फॉर द दिल्ली नेक्स्ट वीक. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ही सेड टू हिज टीचर, रिपोर्टिंग वर्ब, आई नीडंट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, रिपोर्टेड स्पीच. इसको हम बदलेंगे. ही टोल्ड हिज टीचर दैट ही वुड नॉट हैव टू गो दिल्ली नेक्स्ट वीक. तो हमने पहले कंडीशन क्या पढ़ी है? हमने पॉसिबल मीनिंग्स पढ़े हैं. मस्ट का पहला पढ़ा है कि यदि समटाइम्स मस्ट नेसेसिटी और कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करता है, पर टेंस कौन सा हो? प्रेजेंट हो, तो हम मस्ट को किस में? हैड टू में चेंज करेंगे. ऐसे ही अगर ये फ्यूचर को शो करता है और इसका सब्स्टिट्यूट हम शैल हैव टू भी यूज करते हैं, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे? वुड हैव टू में. तीसरी कंडीशन हम देखते हैं मस्ट की. समटाइम्स मस्ट इंडिकेट्स परमानेंट रूलिंग और प्रोहिबिशन. कभी कभी मस्ट परमानेंट, परमानेंट का मतलब पूर्ण रूप से क्या? प्रोहिबिशन, निषेध, मना कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा यहाँ पर करना मना है. प्रोहिबिशन शो करता है. दिस केस मस्ट रिमेंस अनचेंज. ऐसे केस में मस्ट अनचेंज रहता है. अनचेंज्ड का मतलब होता है कि हम इसे चेंज नहीं करते हैं. अनचेंज्ड का मतलब होता है हम इसे चेंज नहीं करते हैं. एग्जाम्पल है, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट. मास्टर ने सर्वेंट को कहा, यू मस्ट बी पंक्चुअल, तुम्हें पंक्चुअल होना पड़ेगा. दिस इज परमानेंट. मास्टर की तरफ से परमानेंट रूलिंग है. उसने रूल बनाया हुआ है कि ऐसा ही होगा. सो हम इसे चेंज करेंगे. द मास्टर टोल्ड द सर्वेंट दैट ही मस्ट बी पंक्चुअल एज इट इज. मस्ट को हमने मस्ट ही रख दिया. नोटिस. नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कभी कभी हम नोटिस बोर्ड पर पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? देखो, पैसेंजर्स मस्ट नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो. पैसेंजर्स का मना है क्या करना? लीन आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर झुकना. तो हम ऐसे को चेंज करेंगे. ऐसे नोटिस बोर्ड पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें हम चेंज करते समय दिखते हैं. देखो, द नोटिस सेड दैट पैसेंजर्स मस्ट नॉट लीन आउट. मस्ट की जगह हमने क्या लगा? मस्ट नॉट को मस्ट नॉट ही रहने दिया और हमने इसको एज इट इज ही रख दिया. क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रोहिबिशन, निषेध है कि ऐसा करना मना है. You must not play with the knives, children, said the mother. अब हम इसमें देखते हैं कि थोड़ा सा एक लिटिल चेंज है. उस चेंज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि said the mother बाद में गया है और you must not play with the knives, children, ये पहले आया है. तो you must not play with the knives ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमास में बंद है. said the mother क्या है? इन्वर्टेड कोमास से बाहर है, रिपोर्टिंग वर्ब है. तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसे क्या करेंगे? इनडायरेक्ट बनाते समय हम मदर को पहले ले लेंगे. द मदर टोल्ड हर चिल्ड्रन. क्या कहेंगे हम? द मदर टोल्ड हर चिल्ड्रन दैट दे मस्ट नॉट प्ले विद नाइव्स. रीज़न क्या है इसका? रीज़न सिर्फ इतना सा ही है कि हमने रूल नंबर 3 में क्या पढ़ा है कि अगर परमानेंट रूलिंग हो, कुछ परमानेंट रूल्स बने हुए हों और प्रोहिबिशन हो, निषेध का भाव हो, इन दोनों ही कंडीशन में मस्ट रिमेन अनचेंज. तो मस्ट को हम अनचेंज्ड रखते हैं, मतलब हम उसे चेंज नहीं करते. एक बार फास्ट हम इसको देख लेते हैं कि हमने मस्ट के कौन कौन से रूल पढ़े हैं. मस्ट में हमने पढ़ा पहला कि मस्ट नेसेसिटी और कंक्लूजन को शो करता है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय. देन ए केस ऑफ ट्रू प्रेजेंट, यदि वो प्रेजेंट का केस होता है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, जैसा हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा था. नेक्स्ट में हमने देखा है कि मस्ट वही किसको शो कर रहा है? नेसेसिटी और कंक्लूजन को, पर इन फ्यूचर. किस में? फ्यूचर में. और इसका सब्स्टिट्यूट हमने शैल हैव टू यूज़ किया है लाइक फ्यूचर टेंस की तरह, तो हमने इसको वुड हैव टू में बदला है. इन दोनों एग्जांपल्स में हमने पढ़ा है. थर्ड में हम देखते हैं कि मस्ट इंडिकेट करे परमानेंट रूलिंग को और प्रोहिबिशन को. इन दोनों ही केसेस में मस्ट रिमेन अनचेंज्ड, तो हम इसे अनचेंज रखते हैं, चेंज ही नहीं करते हैं, जैसा कि हमने इन एग्जाम्पल्स में पढ़ा है. नीचे के दोनों एग्जाम्पल्स में प्रोहिबिशन था, निषेध था कि ऐसा नहीं करना है, और ऊपर था कि उसे पंक्चुअल होना पड़ेगा. आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ प्रेजेंट टेंस. किसके? प्रेजेंट टेंस के. डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड है तो सैड रखेंगे, सैड टू है तो टोल्ड करेंगे, और दोनों ही कंडीशन में कंजंक्शन डेट लगाएंगे. दोनों ही कंडीशन में कंजंक्शन क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे. एग्जाम्पल है, फर्स्ट ही सैड, मोहन राइट्स ए लेटर. ही सैड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब. मोहन राइट ए लेटर क्या है? रिपोर्टेड स्पीच.
राइट्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स मीन दिस इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम इसे कैसे बदलेंगे? प्रेजेंट सिंपल को हमने किस में बदला था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदला था। डू और डज में नॉट आने पर हमने इसको किस में बदला था? डिड नॉट में। ऐसा हमने रूल्स में क्लियर किया था। पिछले चार्ट को आप वापस जाके देख सकते हैं। ही सेड दैट मोहन, राइट को हमने क्या कर दिया? रोट ए लेटर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। द टीचर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। द सन राइजेज इन द ईस्ट रिपोर्टेड स्पीच है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। ये एक्सेप्शन में हमने पढ़ा था कि जब एक्सेप्शन आ जाए, अपवाद आ जाए, तो हम इन्हें नहीं बदलते। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे ही हम नेक्स्ट में देखते हैं। द मैड सर्वेंट सेड आई एम ऑलवेज इन टाइम, ये क्या है? उसकी हैबिट है। द मैड सर्वेंट सेड दैट शी इज ऑलवेज इन टाइम, हैबिचुअल एक्शन। तो हमने पढ़ा था कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते, पर हाँ अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ा है। पर हमने दोनों एग्जाम्पल्स में क्यों चेंज नहीं किया? इसका रीज़न है, हमने एक्सेप्शंस में पढ़ा था यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो, इन दोनों कंडीशन में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आती है तो भी हम इसका टेंस नहीं बदलते। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किससे शो होता है? इज एम आर से शो होता है। और इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा, ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब, आई एम रीडिंग ए बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही टोल्ड मी दैट, इज एम आर को किस में चेंज करते हैं? वॉज वर्ब में। किस में चेंज करते हैं? हम वॉज वर्ब में। तो हम क्या कहेंगे? आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन ही, तो ही का हमने ही रख दिया। ही वॉज रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव। और इसे हम नरेशन में चेंज करते समय किस में चेंज करते हैं? हैड में। किस में चेंज करते हैं? हैड में। शी सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब, आई हैव रिटन ए लेटर, क्या है ये? रिपोर्टेड स्पीच। शी टोल्ड मी दैट, शी हैव को किस में चेंज किया? हैड, रिटन ए लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखेंगे, आई सेड टू हिम, रिपोर्टिंग वर्ब, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM, कब से सो रही है? रात 10 बजे से सो रही है। आई टोल्ड हिम दैट शी हैज बीन और हैव बीन किस में बदलते हैं? हैड बीन में। तो हम क्या कहेंगे? शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस। पास्ट सिंपल में हम देखते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब्स हमने क्या क्या पढ़ी थी? पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब्स हमने पढ़ी थी पास्ट सिंपल में हमने पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड। डिड में क्या होना चाहिए? नॉट होना चाहिए, तो डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाता है, हैड नॉट में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में होगी? हैड में। तो हमने यहां पर देखा कि आप देखेंगे पास्ट सिंपल का फर्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू अस द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। ही सेड टू अस, रिपोर्टिंग वर्ब, द पुलिस डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनेट, डिड के साथ नॉट आ रहा है। ही टोल्ड अस दैट द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द थीफ। डिड नॉट को किस में बदल दिया हमने? हैड नॉट में। पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर आता है। हमने पढ़ा था कि वॉज वर किस में चेंज होंगे? हैड बीन आईएनजी में। आई सेड टू अनिल, गर्ल्स वर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो हम क्या कहेंगे? आई टोल्ड अनिल दैट गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। आई सेड टू हिम, यू आर गोइंग टू जयपुर, तो हम क्या कहेंगे? आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू जयपुर। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर गोइंग और ऊपर क्या है? वर सिंगिंग। तो हमने इसको क्या किया था? ऊपर वाले को हम देखेंगे, आई सेड टू अनिल, गर्ल्स वर सिंगिंग ए सॉन्ग, आई टोल्ड अनिल दैट गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, आई सेड टू हिम, यू वर गोइंग टू जयपुर, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू बी जयपुर। तो इसको हम क्या कहेंगे? ही हैड बीन
गोइंग टू जयपुर. ही हैड बीन गोइंग टू जयपुर. इसकी जगह आपको क्या कहना है, ही हैड बीन गोइंग टू जयपुर, कि वो जयपुर जा रहा था. और इसे हम वॉज गोइंग टू जयपुर भी रख सकते हैं अगर वैसी सिचुएशन, एक परमानेंट सिचुएशन होती तो, कि वो उस समय ऐसा कर रहा था. और अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम इसे हैड बीन गोइंग में बदलेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल में हम क्या देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल हमने देखा था शैल देखा था और इसके साथ विल देखा था. विल इन दोनों के साथ हमने क्या देखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पर हम इसे किस में चेंज करेंगे अब, वुड में. शैल और विल दोनों को ही किस में चेंज किया जाएगा, वुड में. तो हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे रवि सेड टू मी आई शैल सिंग ए सॉन्ग. तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे, रवि टोल्ड मी दैट ही वुड सिंग ए सॉन्ग. शैल को किस में बदल दिया हमने, वुड में. फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम देखते हैं कि विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, तो हम इन्हें भी किस में चेंज करेंगे, वुड बी में. तो शी सेड सुधीर विल बी रीडिंग ए बुक. तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे, शी सेड दैट सुधीर वुड बी रीडिंग ए बुक. फ्यूचर परफेक्ट में हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमने क्या पढ़ी थी, शैल हैव रिटन विल हैव रिटन. शैल हैव विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हम देखते हैं आई शैल हैव रिटन ए लेटर, ये इन्वर्टेड कोमास में बंद है, तो रिपोर्टेड स्पीच इस समय पहले आया है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी बाद में है. पर हम इसका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लेंगे. ही सेड दैट ही वुड हैव रिटन ए लेटर. हम क्या कहेंगे, ही सेड दैट ही वुड हैव रिटन ए लेटर. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. शी सेड आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स. शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को. तो हम इसमें पढ़ेंगे शी सेड दैट शी वुड हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस, और हमने पढ़ा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. इनके हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाए. आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक एट द बेल आइकन बटन. थैंक यू.